अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैरियत से रखे। प्यारे व्यूवर्स, आज हम आपके साथ मसाला कलेजी की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मसाला कलेजी और गुर्दे मैंने लिए हैं। ये देखिए, ये गुर्दे हैं और ये कलेजी है। मटन की मैंने ली है, लैम की। तो इसमें ये सब मसाले जाएंगे। और योगर्ट जाएगा तकरीबन 1 कप के करीब। योगर्ट डालें, इससे सॉफ्ट बनेगी कलेजी। अच्छा, मसालों में मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर था, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च थी, और धनिया पाउडर था 1 टेबलस्पून, साल्ट 1 टेबलस्पून, और हल्दी 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, और ये सारे तकरीबन मसाले और योगर्ट मैंने 1 कप लिया है। ये लास्ट में मैंने डाला है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये हमने अच्छे से अब इनको मिक्स कर देना, बस मैरिनेट करके हमने तकरीबन 15-20 मिनट के लिए हम रख देते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप आपको बताएंगे कि हमने आप क्या करना है। बस अच्छे से ये मसाले इसमें लग जाएं। योगर्ट से ये है कि इसकी जो कलेजी है ना, वो सॉफ्ट बने, वो हार्ड नहीं होगी। जैसे कि ये हार्ड हो जाती है ना, तो वो हार्ड नहीं होगी। ऐसे लगाने से इसमें वो जिंजर गार्लिक से इसकी स्मेल भी ख़त्म होगी, जो कलेजी में एक स्मेल सी होती है ना, तो वो स्मेल भी इसमें नहीं रहेगी। बस मैं इसको 15-20 मिनट के लिए रखते, तो इतने देर में हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, उतनी देर में हमारा टाइम वो हो जाएगा मैरिनेशन का, जितने देर में हम बाकी का स्टेप करेंगे। बस ये अच्छे से हमने मसाला इसमें लगा दिया। तो अच्छा फ्रेंड्स, अब मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालने लगी हूँ, तकरीबन 1/2 कप के करीब ऑयल है। आप काम ज़्यादा कर सकते हैं अगर काम ज़्यादा करना है तो। बस हम अनियन को इतनी देर तक हम फ्राई करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हमने जलाना नहीं इसको, सोते करना है हमने। बस अच्छा, अनियन हमारा अब सोते हो गया है। अब मैं इसमें टमाटो ऐड करने जा रही हूँ। टमाटो मैंने 4 टमाटो लिए, छोटे मीडियम साइज के, 3-4 टमाटो आप ले लें। अब मैं इसमें कलेजी भी साथ ऐड कर दूँगी। मसाले वगैरह तो हमने सब डाले हुए हैं इसमें।
अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। अभी हम तेज आंच ही रखते हैं क्योंकि फुल फ्लेम पे ही रखें, क्योंकि हमने योगर्ट डाला हुआ है तो इसमें पानी भी वो छोड़ेगा। तो माशाल्लाह से ये हमारी कलेजी और जो गुर्दे हैं ये तकरीबन 10 मिनट में रेडी हो जाते हैं। कलेजी तो बहुत जल्दी रेडी हो जाती है 10 मिनट में। तो बस अभी तो मैं इसको तेज़ आंच पे ही रखूँगी, फिर जब लास्ट स्टेज आएगी इसको हम मीडियम पे स्लो फ्लेम पे काट देंगे थोड़ा सा, ताकि इसका मसाला जले ना। अभी तो हम इसको अच्छे से भूनेंगे ना। देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारी कलेजी और गुर्दे माशाल्लाह से अच्छे से भून गए हैं। पानी भी काफ़ी, योगर्ट डालने से ना पानी बहुत ज़्यादा वो कुछ होता है योगर्ट। तो अब इसको मैं स्लो, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखने लगी। बिल्कुल रेडी हो गया है और कलेजी भी बिल्कुल हार्ड नहीं हुई, बहुत सॉफ्ट है, बहुत मज़े की बनी है। तो बस इसको मैं स्लो फ्लेम पे करने लगी हूँ। थोड़ा सा मैं इसको तकरीबन 2-3 मिनट में स्लो फ्लेम पे रखूँगी ढक के। देखिए फ्रेंड्स, हमारी कलेजी और गुर्दे रेडी हैं पाक के, तो बहुत मज़े के बने हैं। तो आपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। तो इंशाल्लाह आपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आज की आपको पसंद आई होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।